वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ मैथ्स। हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मैथ्स का एक स्पेशल टॉपिक, और टॉपिक है परिमेय संख्या। ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, परिमेय संख्या की हिस्ट्री मतलब परिमेय संख्या का इतिहास क्या होता है, परिमेय संख्या के फॉर्मूले क्या है, परिमेय संख्या की शर्तें कंडीशंस क्या क्या है, और परिमेय संख्या की प्रॉपर्टीज मतलब गुण क्या क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखो, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, जिसमें p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, जिसमें p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो। परिमेय संख्या को q से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के कॉसिएंट शब्द से हुई है, अंग्रेजी के कॉसिएंट शब्द से हुई है। परिमेय संख्या की हिस्ट्री देखते हैं, परिमेय संख्या की खोज यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने की, किसने की, यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने की। इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या के फॉर्मूला, परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल क्यू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद परिमेय संख्या की कंडीशंस मतलब परिमेय संख्या की शर्त। अब परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या की फर्स्ट शर्त है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू क्या है, क्यू है, क्यू हर है, और हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब हर का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अब जीरो होगा, हर का मान जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी। इसके बाद क्यू का मान एक या उससे अधिक हो सकता है, क्यू का मान एक या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान अपूर्ण वर्ग जैसे रूट टू रूट थ्री रूट फाइव नहीं होना चाहिए, क्यू का मान अपूर्ण वर्ग जैसे रूट टू रूट थ्री और रूट फाइव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या के गुण, परिमेय संख्या की प्रॉपर्टीज क्या होती है। परिमेय संख्या सरल भिन्न भी होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सरल भिन्न भी होती है। इसका भागफल पूर्ण संख्या शांत दशमलव या अशांत दशमलव हो सकता है। अब इसका मान पूर्ण संख्या शांत दशमलव अशांत दशमलव भी हो सकता है बोले तो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 10/5, क्या दिया है 10/5, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए इसका इसका भागफल क्या आ जाएगा 2, ये पूर्ण संख्या है, ये हमारी क्या आ गई, एक पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या का मान पूर्ण परिमेय संख्या का भागफल पूर्ण संख्या हो सकता है। इसके बाद बोला है सात दशमलव भी हो सकता है, तो सात दशमलव का एग्जांपल देखते हैं हम, 5/2। अब इसका भागफल क्या आएगा 2/2.5, क्या आएगा 2.5। तो परिमेय संख्या का भागफल शांत दशमलव भी हो सकता है। इसके बाद बोला है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भी हो सकता है, तो अशांत दशमलव का एग्जांपल देखते हैं हम, 1/3 परिमेय संख्या। अब इसका भागफल देखो हमारे पास आया 0.3333, तो ये क्या है, अशांत दशमलव का एग्जांपल है। तो परिमेय संख्या का भागफल शांत दशमलव अशांत दशमलव और पूर्ण संख्या भी हो सकता है। अब परिमेय संख्या का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, परिमेय संख्या का है कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।